कैसे हो यूट्यूब वासियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेसिकली जो आज का हमारा क्लास है वो क्लास है हमारा ज्योग्राफी से, एंड हमने लास्ट क्लास में ओशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। और ओशन के बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो चैप्टर है हमारा लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म को भी मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा, तो उसे समझना फिर आप लोगों को भी दिक्कत होगा और उतनी देर बताना मुझे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लैंडफॉर्म क्या होता है, इंडिया का लैंडमास कैसे फॉर्म हुआ है और कितने तरीके का लैंडफॉर्म है इंडिया में। ठीक है, तो आज हम एक बेसिक समरी लेंगे लैंडफॉर्म चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का लैंडफॉर्म चैप्टर पे। सो यहाँ पर से हमारे स्टार्ट होता है लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया। जो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, व्हाट इज लैंडफॉर्म। अ लैंडफॉर्म रिफर टू अ नेचुरल फीचर और शेप, नेचुरल फीचर और शेप फाउंड ऑन अर्थ सर्फेस। लैंडफॉर्म कैन वेरी जेंटली इन साइज, शेप एंड कंपोजिशन, एंड दे आर क्रिएटेड थ्रू वेरियस ज्योग्राफिकल प्रोसेस सच एज इरोजन, डिपोजिशन, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि लैंडफॉर्म जो है वो कैसे बनते हैं। लैंडफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, उनका साइज कुछ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उनका कुछ कंपोजिशन दूसरा हो सकता है, किसी में आपको बेसाल्ट रॉक ज़्यादा देखने को मिलेगा तो कहीं पे आपको सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके कंपोजिशन में भी चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, अब ये चेंजिंग किसके किसके थ्रू हुआ है, क्या वो पहले से वैसे था या फिर बाद में चल के वो वैसा हुआ। ठीक है, तो इस फैक्टर को ना कुछ फीचर जो है जियोलॉजिकल फीचर वो उसको अफेक्ट करते हैं, लाइक इरोजन, डिपोजिशन, वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड टेक्टोनिक प्लेट। इरोजन कैसे है? ठीक है, मान लो कि कहीं पे पहाड़ है, ठीक है, वहाँ पे सालों सदियों से क्या कहते हैं वहाँ पे हवा चल रहा है, बारिश हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा उसका जो माउंटेन का जो पीक है वो धीरे धीरे छोटे छोटे कण में टूटना स्टार्ट होगा, लंबे समय लगेगा ये। ठीक है, सदियों लग जाएंगे, ऐसा नहीं कि आज रात में सोया सुबह उठ के देखा तो पहाड़ साफ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, टाइम लगता है, धीरे धीरे उसमें इरोजन होगा। अब जब वो इरोजन होगा तो वो इरोजन कहाँ जाएगा, उसके कारण क्या होगा, जो माउंटेन है माउंटेन का शेप साइज ये सब में डिफरेंस आएगा, वो कुछ और प्लेट्यू आपका बनाएगा। ठीक है, वो कुछ और आपका लैंडफॉर्म बनाएगा। अब वो जो इरोजन हुआ, अब वो इरोजन होकर कहाँ चला जाएगा, अब वो आसमान में तो चला नहीं जाएगा कि चलो भैया मैंने तो इरोजन कर दिया मेरा काम खत्म अब हम चले स्वर्ग में, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो इरोजन वाले पार्ट जो होंगे, जो छोटे छोटे कण होंगे, वो कहीं ना कहीं जाके जमा होंगे, डिपॉजिट होंगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक वहाँ पे जाके वो डिपॉजिट होंगे। उसके बाद उससे क्या होगा, उससे वहाँ पे दूसरा लैंडफॉर्म बनेगा डिपोजिशन से। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ तीसरा पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ में कैसे, मान लो कि कहीं पे कुछ माइनर क्रैक्स थे प्लेट्स में। ठीक है, अब वहाँ पे हम सभी जानते हैं ना कि अंदर में ना एस्थेनोस्फेयर में मॉल्टन मैग्मा है। ठीक है, जहाँ पे अंदर में कन्वेक्शन करंट चलता है, मैंने ये आपको बताया हुआ है कॉन्टिनेंट चैप्टर में, तो जिसने भी अगर वो चैप्टर नहीं देखा हो तो काइंडली जाके आप वो चैप्टर देख लीजिए, वहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है व्हाट इज़ कन्वेक्शन करंट और कैसे कन्वेक्शन करंट जो है हेल्प करता है प्लेट्स को अवे होने में। ठीक है, एक दूसरे दूर जाने में, किसी और के पास आने में। ठीक है, किसी और प्लेट्स के पास आने में, तो वो आपको पता चल जाएगा वहाँ। तो कहीं माइनर क्रैक्स होंगे तो वहाँ से क्या होगा, अब मॉल्टन मैग्मा निकलने लगेगा, वोल्केनो हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं यार वोल्केनो आ गया, ज्वालामुखी आ गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो मॉल्टन मैग्मा निकलेगा, अब वो मैग्मा तो धरती पे आ गया। ठीक है, अब वो धीरे धीरे वहाँ पे ठंडा होगा। अब जैसे वो वहाँ पे ठंडा होगा तो फिर वो एक किसी रॉक का बन जाएगा, कोई एक रॉक बन जाएगा वो। ठीक है, अब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मॉल्टन मैग्मा का जमता रहेगा तो वो कोई ना कोई एक लैंडमास फॉर्म कर देगा। ठीक है, एक प्लेट्यू हमारा फॉर्म कर देगा वो। तो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे लैंडफॉर्म को बनने में इफेक्ट ये करता है। अब देखते हैं टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट कैसे है। ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट से कैसे, मान लो कि दो प्लेट जो है ना आपस में टकराए, या तो वो एक प्लेट अंदर चला जाएगा, एक प्लेट उसके ऊपर आ जाएगा, या फिर फोल्ड माउंटेन जैसे बन जाएंगे टेक्टोनिक प्लेट, या फिर कन्वर्जेंट होने जा पे वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, दोनों अगर अलग हो जाएगा तो हो सकता है कि वहाँ पे रिफ्ट वैली बन जाए, या फिर वहाँ से फिर से क्या कहते हैं कोई वोल्केनो निकले जिसके थ्रू कोई और लैंडमार्क बने। ये सब में कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट भी हमारा हेल्प करता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि किस किस जियोलॉजिकल प्रोसेस से
आपका लैंडफॉर्म बनता है, जो मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया, इरोजन के बारे में भी, डिपोजिशन के बारे में बताया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताया मैंने आपको, और टेक्टोनिक मूवमेंट के बारे में भी. ना एग्जाम्पल ऑफ लैंडफॉर्म. अब लैंडफॉर्म के कुछ एग्जाम्पल हैं कौन कौन, माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, प्लेन, हिल्स, कैनियन, डिजर्ट, बीचेस, रिवर, लेक एंड ओशियन. ये सब भी कोई ना कोई तो लैंडफॉर्म है ना. ओशियन में हमारे कुछ लैंडफॉर्म है, लेक कैसे बनते हैं, रिवर भी लैंडफॉर्म से बनते हैं, किसी न किसी जियोलॉजिकल प्रोसेस से वो सब बने हैं, माउंटेन कैसे बने, इन सभी के बारे में. ठीक है, जो आपके बिहार सुपर टेट 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके बेसिस पे जो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो सारा आपको यहाँ पे वीडियो में बताया जाएगा, जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में और बिहार टीचर के जॉब को पाने में. तो फोकस रखें इस पे और हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे. अगले स्लाइड पे जाने के पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि अगर जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो. और अगर आपको लगता है कि ये आपके किसी दोस्त या फिर किसी फैमिली में किसी को हेल्प करेगा, तो आप वहाँ पे इसे शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पे. हमने वहाँ पे देखा था टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक मूवमेंट. तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट. टेक्टोनिक प्लेट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको इसके पहले भी डिटेल में बताया है कॉन्टिनेंट चैप्टर में, कि कैसे हमारे कॉन्टिनेंट बने थे. ठीक है, तो सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी. तो इस मैंने जो है ना इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है उसमें भी, कॉन्टिनेंट चैप्टर में भी. अगर आप कॉन्टिनेंट चैप्टर में देखना चाहो तो आप वहाँ भी देख सकते हो. एंड लैंडमार्क के बेसिस पे जो भी थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता दूँगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द अर्थ्स आउटर मोस्ट लेयर नोन एज लिथोस्फेयर is divided into several large and small rigid plate that float on semi-fluid asthenosphere beneath. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा अर्थ का जो लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या हुआ, जो हमारे अर्थ क्रस्ट हैं और अपर मेंटल जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, उस पार्ट को मिला के हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेयर. तो जो हमारे अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, वो वेरियस डिफरेंट टाइप के प्लेट्स में ना वो डिवाइडेड है. सेवरल लार्ज, कुछ लार्ज प्लेट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, सेवन कॉन्टिनेंट, एंड कुछ माइनर हमारे प्लेट होते हैं. ठीक है, तो लार्ज कॉन्टिनेंट है और कुछ माइनर प्लेट है हमारे. ठीक है, लार्ज प्लेट एंड माइनर प्लेट. वो सारे प्लेट्स क्या होते हैं ना, जो भी हमारे मेल्टल में जो मॉल्टन मैग्मा होता है, जिसको यहाँ पे डिनोट किया गया है, आप यहाँ पे देखोगे तो जिसे यहाँ पे डिनोट किया गया है सेमी फ्लूइड से. ठीक है, हम सभी जानते हैं जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो सेमी फ्लूइड होता है. ठीक है, सेमी लिक्विड वो होता है, तो उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है, और किसी कारणवश वो जो सेमी मॉल्टन मैग्मा है, ठीक है, वहाँ पे कन्वेक्शन करंट के कारण डाइवर्ज हो जाते हैं, किसी कारणवश एक दूसरे से वो कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म बॉन्ड. तो उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो जो तीन प्लेट हैं, ठीक है, जो हमारे प्लेट हैं, लार्ज प्लेट और माइनर प्लेट जो है हमारे, वो कैसे लैंडफॉर्म बनाने में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉल्टन मैग्मा. ठीक है, नाउ देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. ठीक है, वेयर लैंडफॉर्म आर फॉर्म्ड. तो कुछ लैंडफॉर्म जो फॉर्म होते हैं हमारे, उसके यहाँ पे थ्री जो प्लेट बाउंड्रीज हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे दिया गया है. फर्स्ट, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेट आपस से दूर हो जाएं. ठीक है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब दो प्लेट पास आ जाएं. एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होता है ना, जो हॉरिजॉन्टली एक दूसरे पर स्लाइड करे, खिसके. ठीक है, लाइक एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये दोनों आपस में क्या करेंगे, खिसकेंगे. ठीक है, हॉरिजॉन्टली देखो, ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये ऐसे आपस में खिसक रहे हैं. ठीक है, ना तो ये डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ना ये कन्वर्जेंट हुए हैं. ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. अब एक एक करके हम इस तीनों बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट है हमारा डाइवर्जेंट प्लेट. डाइवर्जेंट बाउंड्री अकर व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम इच अदर. मैंने ये आपको बताया, जब दो प्लेट, ठीक है, आपस में पास ना आके दूर जाएं एक दूसरे से, ठीक है, मूव अवे हो जाए फ्रॉम इच अदर. ठीक है,
तब क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, हमारे प्लेट में डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती है। एज द प्लेट सेपरेट मैग्मा राइज फ्रॉम द एस्थेनोस्फेयर टू फिल द गैप क्रिएट अ न्यू क्रस्ट एंड फॉर्मिंग अ फीचर नोन एज मीड ओशियनिक रिज। अलोंग दीज बाउंड्रीज वॉल्केनिक एक्टिविटी इज कॉमन एंड अंडर वाटर माउंटेन रेंज और रिफ्ट वैली में डेवलप। यह मिड ओशियनिक रेंज के बारे में मैंने आप लोगों को ओशियन चैप्टर में बताया। इसमें देखो क्या कह रहा है ना, फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें ये हमारा कह रहा है कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्री है, जब दो प्लेट आपस से दूर जाएंगे, ठीक है, पास नहीं आके दूर जा रहे होंगे, ठीक है, तो बीच में आप देखोगे ना, ये देखो ये दो प्लेट अटैच हैं, सटे हुए हैं। जब ये दो प्लेट आपस में पास नहीं आके जब जैसे दूर जाते हैं तो बीच में हमें गैप देखने को मिलता है, ठीक है। मान लो कि एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है। अब ये दोनों देखो कि ये दोनों ना दूर हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे गैप बन गया। अब इस गैप से क्या होगा ना, मैग्मा निकलेगा, ठीक है, मैग्मा राइज करेगा और ये मॉल्टन मैग्मा जो है इस सरफेस पे फैलेगा और यहाँ पे एक न्यू क्रस्ट का निर्माण करेगा, ठीक है। ये आपको इसके थ्रू क्या बनता है, मिड ओशियनिक रिज बनता है। मिड ओशियनिक रिज हमने ओशन चैप्टर में देखा था, ठीक है, कि जहाँ पे ओशन के अंदर में, ठीक है, ये मान लो ओशन है हमारा, ठीक है, ओशन के अंदर में, एक मिनट आप बोल देना। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा था, मान लो कि ये हमारा ओशन है, ठीक है, और ये ओशन के अंदर में दो प्लेट है, ठीक है। जब ये दो प्लेट आपस में, ठीक है, डाइवर्ज होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मैग्मा गैप आता है, गैप से मेरा मैग्मा निकला, ठीक है, और मैग्मा जो है ना इस सरफेस पे फैल गया, ठीक है, ओशन के जो सरफेस है ना उस पर फैल गया और ये जब कूल डाउन हुआ ना तो ये क्रस्ट बनाया, ठीक है, ओशन के अंदर। और जो दोनों साइड के जो प्लेट थे दोनों को दूर ढकेला और वो दूर ढकेल रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंड करेगा ओशन का सरफेस, ठीक है, इससे ओशन का सरफेस जो है हमारा एक्सपेंड करेगा। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं ओशन के अंदर, और जब मैग्मा बाहर निकल के कूल डाउन होता है और एक नया क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वहाँ पे मीड ओशियनिक ओशन रिज, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, भी इसे अच्छे से डिटेल में बताया है। अलोंग दीज बाउंड्रीज वोल्केनिक एक्टिविटीज इज कॉमन। वोल्केनिक एक्टिविटीज भी इसमें होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। चलो, ये अगर ओशन के अंदर हो रहा है तो ये मिड ओशियनिक रिज बना रहा है। अगर मान लो कि ये कॉन्टिनेंट पे हो, ये दो प्लेट है, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकलेगा तो इसे हम लोग क्या नाम देंगे, इसे हम लोग बोलते हैं वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो इसे हम बोलते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटीज होता है जब भी दो सरफेस जो है ना, दो प्लेट जो है ना अलग होती है और अंदर से अगर हमारा मॉल्टन मैग्मा निकलता है तो, ठीक है। ये कभी कभी रिफ्ट वैली बना देगी। कैसे रिफ्ट वैली, मान लो कि एक प्लेट इधर घिसक गया और एक प्लेट इधर घिसक गया, बीच में मान लो मैग्मा नहीं निकलता है, तो क्या होगा, यहाँ पे गैप बन जाएगा और इस गैप में जो है ना पानी आएगा, ठीक है, बारिश हुई या फिर आसपास से किसी नदी से ट्रिब्यूटरी से यहाँ पे पानी भर गया, ठीक है, तो ये फिर क्या फॉर्म करेगा, रिफ्ट वैली का हमारा निर्माण करेगा, अगर यहाँ से बाई चांस अगर वोल्केनो इरप्शन नहीं होता है तो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली फॉर्म्ड व्हेन अफ्रीकन प्लेट पुलिंग अवे फ्रॉम अरेबियन प्लेट। जब अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट एक दूसरे से अलग हुआ, डाइवर्ज हुआ, तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, ईस्ट अफ्रीकन वैली का। चलो, अब इसे हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। यहाँ पे इस फिगर को हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये हमारा है अफ्रीकन प्लेट, ये हमारा अरेबियन प्लेट। ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। देखो ये डाइवर्जेंट का सिंबल है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। बीच में हमारा ओशियन था, ठीक है, यहाँ पे देखो इस साइड में हमारा पहले ओशियन था। अब ये दोनों जैसे ही साइड हुआ प्लेट, तो ये ओशियन का जो वाटर है ना इसे कवर कर लिया, ठीक है, इस पोर्शन को, ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो ये जो हमारा पूरा पोर्शन बना है ना, ये पोर्शन, ये हमारा बना है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है, ये ईस्ट में है, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये इस तरीके से बना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अफ्रीका है, ये अरेबियन प्लेट है, यहाँ पे ये अरेबियन प्लेट है। जब ये दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हुआ, दूर गया, तो ये बीच में जो ये है ना, ये एक वैली फॉर्म हुआ जिसे हम नाम दिए ईस्ट अफ्रीकन वैली का, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। नाउ डाइवर्जेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग जानेंगे कन्वर्जेंट प्लेट।
कन्वर्जेंट प्लेट जिसके माध्यम से ही हमारा जो माउंटेन है माउंट एवरेस्ट उसका निर्माण हुआ था। कैसे देखते हैं। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आर वेयर प्लेट कोलाइड, जहाँ पे दो प्लेट आपस में टकराएंगे, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, द बाउंड्री बिटवीन देम पुश अपवर्ड एंड क्रिएट अ रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, अब देखो दो प्लेट है, दो प्लेट आपस में टकराया, ठीक है, ये अपवर्ड लिफ्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या बनाया हमारा, ये हमारा बनाता है माउंटेन। ठीक है, एग्जाम्पल, हिमालयाज फॉर्म बाय कॉलिजन ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। मान लो कि ये इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट बन, क्योंकि यूरेशियन प्लेट तो अस्थिर था, ठीक है, यूरोपियन प्लेट में मूवमेंट नहीं हुआ था। क्या हुआ था ना, गोंडवाना लैंड, ठीक है, जहाँ से इंडियन प्लेट जो है ना वहाँ से टूट के निकला, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट उसका रिस्पॉन्सिबल था, और वो जाके कोलाइड किया यूरोपियन प्लेट में, और जैसे ही वो कोलाइड किया तो धीरे धीरे जो है ना माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, जो हमारा प्लेट था वो अपलिफ्ट हुआ, ऊपर गया, ठीक है, और हमारा हिमालय रेंज का फॉर्मेशन हुआ। ये देखो हिमालय कितना खूबसूरत लगता है, ठीक है, ये सब देखो, ये सब जो है ना ये सारे रेंज हैं, ठीक है, इतना आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पूरे रेंज है, ठीक है, ये सारा हमारा माउंटेन का रेंज है हिमालय का, और इस तरीके से देखो ये दोनों टकरा रहा है, यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हिमालय को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि फॉर्मेशन कैसे हुआ था हिमालय का। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं जो भी हमारी बाउंड्रीज है जिसके माध्यम से लैंडफॉर्म बने हैं। ठीक है, दो हम लोगों ने देख लिया, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आर वेयर प्लेट स्लाइड हॉरिजेंटली विथ इच अदर। देखो यहाँ पे प्लेट जो है ना हॉरिजेंटली एक दूसरे से स्लाइड कर रहा है। ठीक है, प्लेट ना ऐसे हो रहा है, ना डाइवर्ज हो रहा है, ना कन्वर्ज हो रहा है, प्लेट क्या कर रहा है आपस में इस तरीके से स्लाइड हो रहा है। ठीक है, हॉरिजेंटली। दीज बाउंड्रीज आर कैरेक्टराइज बाई इंस्टेंस क्रस्टल स्ट्रेस विच कैन रिजल्ट इन अर्थक्वेक। इससे क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विथ लैंडफॉर्म बाउंड्रीज इंक्लूड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट वेयर द प्लेट ग्राइंड पास्ट इच अदर। सिंपल इसका कहने का मतलब ये है ना कि जो दो प्लेट है जब आपस में खिसकेगा एक दूसरे से, ठीक है, रगड़ाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे, अर्थक्वेक होगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कहने का मतलब यही है आपका। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है हमारा, अर्थक्वेक आता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता, ये देखो ये कन्वर्जेंट प्लेट है ना, ये क्या हो रहा है, ये फोल्ड माउंटेन हमारा बना रहा है। ठीक है, फोल्डिंग माउंटेन, और जहाँ पे डाइवर्ज की बात आती है ना, ये देखो डाइवर्ज वाले, तो इसे हम लोग बोलते हैं फॉल्टिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉल्टिंग। ठीक है, फॉल्टिंग और कन्वर्जेंट वाले को देते हैं फोल्डिंग, ये फोल्डिंग हमारा हो गया। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। हमें यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन के लैंडमास के पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लैंडमास। अच्छा, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आप लोगों से यहाँ पे शेयर कर दिया। नाउ, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ लार्जर सब कॉन्टिनेंट नोन एज गोंडवाना। एज गोंडवाना बिगैन टू ब्रेक अपार्ट, इंडिया स्टार्टेड टू मूव नॉर्थवर्ड। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्टिनेंट चैप्टर में। इस साइड में जो था ना हमारा था गोंडवाना साउथ में, ठीक है, और इस साइड में था हमारा नॉर्थ में यूरेशिया। ठीक है, गोंडवाना से क्या हुआ ना, जो इंडियन प्लेट था, ठीक है, वो अपार्ट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और वो जो है ना धीरे धीरे मूव करने लगा नॉर्थ की तरफ, ठीक है, यूरेशिया की तरफ। ठीक है, और वहाँ पे जाके ना वो यूरेशियन प्लेट से टकराया। ठीक है, जिसके कारण इंडिया का एक लैंडमास फॉर्म हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं माउंटेन। ठीक है, दिस मूवमेंट वॉज ड्राइवन बाई द प्रोसेस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ये किसके थ्रू हुआ था, प्लेट टेक्टोनिक के कारण। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मान लो कि ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है, ये पूरा जो है ना गोंडवाना लैंड है। अब इसके अंदर में नीचे में माउंटेन मैग्मा जो है ना कन्वेक्शन करंट अपना चालू किए हुए, ठीक है, वहाँ पे कन्वेक्शन करंट चल रहा है, लगातार चल रहा है, सदियों से चल रहा है। इसके कारण क्या हुआ ना, गोंडवाना लैंड से जो है इंडियन प्लेट वो धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गया।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रैक होंगे बीच में, यहाँ से धीरे धीरे वो अलग हो रहा है, ठीक है, लंबा टाइम लिए। अब ये अलग होने के बाद मॉल्टन मैग्मा पे हम लोगों ने पढ़ा कि सब तैरते हैं, ठीक है, जितने भी प्लेट है ना वो मॉल्टन मैग्मा के ऊपर तैर रहा है, अस्थिर कोई भी नहीं है, सब अस्थिर है। अब वो क्या हुआ, टूट के अलग हुआ, और ब्रेक होने के बाद वो धीरे धीरे नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करने लगा हमारा इंडियन प्लेट, और जाके वो यूरेशिया से टकरा गया। यूरेशिया में किस पार्ट से टकराया, वो यूरोपियन प्लेट से टकराया। अब जैसे ही यहाँ पे मान लो अब कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, अब इंडियन प्लेट धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब इससे टकराया वो। अब धीरे धीरे टकराने के बाद क्या हुआ, ये अपलिफ्ट होना शुरू हो गया, कुछ पार्ट इसके डाइवर्ज भी अंदर भी चले गए, ठीक है, सबडक्शन हो गया कुछ पार्ट का, कुछ पार्ट अपर लिफ्ट किए, ठीक है, लिफ्ट कर रहा है कुछ पार्ट लिफ्ट कर रहा है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ हमारा, माउंटेन, ठीक है। इस तरीके से ये सब सिर्फ वर्डिंग है जो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, बट जो मेन था मकसद इस पूरे पॉइंट्स का वो बस इतना ही था, ठीक है। द इंडियन प्लेट विच वॉज लार्जर पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट बिगैन कोलाइडिंग विथ यूरेशियन प्लेट, ठीक है, मैंने बताया कि यूरेशिया जो प्लेट था वो अस्थिर था, इंडियन प्लेट टूट के यूरेशिया के पास गया, ठीक है, हीर रांझा था दोनों, ठीक है, रहा नहीं गया, दूर नहीं रहा गया, तो पास आ गया वो दोनों ना। रिजल्टिंग, जस्ट फॉर फन जोक था, डोंट बी सीरियस ना, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय माउंटेन रेंज, इसके थ्रू क्या हुआ हमारा हिमालय माउंटेन रेंज का जो है ना फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जब वो दोनों पास आए कोलाइड किए, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हुआ, हिमालय माउंटेन रेंज का। दिस कॉलिजन काउज द क्रस्ट ऑफ क्रस्ट टू बकल एंड फोल्ड, ठीक है, लीडिंग टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय, ठीक है, द इंडियन लैंड मास कंटिन्यू टू मूव नॉर्थवर्ड पुशिंग अगेंस्ट द यूरोपियन प्लेट फर्दर रेजिंग द हिमालय। और अभी पता है जो हिमालय का जो साइज है अभी हमारा है 8,848, ठीक है, मीटर, बट वो अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है उसका हाइट, क्यों, क्योंकि अभी भी जो है ना इंडियन प्लेट जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, यूरोपियन प्लेट की तरफ, और धीरे धीरे वो अपलिफ्ट होते ही जा रहा है, तो धीरे धीरे उसका जो हाइट है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका हाइट बढ़ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग चलते अपने अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखो ये इंडियन प्लेट है और ये हमारा यूरेशियन प्लेट, जब ये दोनों आपस में टकरा रहा है ना, ठीक है, इंडियन प्लेट टकराया जब यूरेशियन प्लेट से, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारा माउंट एवरेस्ट का, हिमालय का, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेट, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम लोगों को तीन प्लेट के बारे में पढ़ना होगा, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेट एंड पेनिनसुलर प्लेट, जिसे हम लोग डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग सिर्फ समरी ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस मैंने आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल दिया और चैप्टर खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ समरी है जिससे आपके जो मन में है ना ये हो जाए आपके दिमाग में कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या फॉर्म हुआ है, ठीक है, पिक्चर भी पूरे बाकी है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेट, हिमालयन प्लेन, अब देखते हैं हिमालयन प्लेन कैसे बने, इतनी देर से तो हम लोग हिमालयन प्लेन की चर्चा कर रहे थे कि हिमालयन प्लेन कैसे बने, ठीक है, तो कॉलिजन हुआ था इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट का, जिसके कारण से हिमालय हमारा बना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन, अब देखो ये जो है ना हिमालय और जो हमारा यूरेशियन प्लेट है, जब ये दोनों टकराया अपलिफ्ट हुआ, ठीक है, अपलिफ्ट हुआ ये दोनों, तो हमारा ये बन गया माउंट एवरेस्ट, ये हमारा बना माउंट एवरेस्ट। अब ये जो पार्ट हुआ, ये जो हमारा ये क्या है, ये हमारा फुटहिल, ठीक है। अब इस फुटहिल पे क्या होगा ना कि जो भी सेडिमेंट्स होंगे या फिर जो भी नदी, ठीक है, बह के आएगी, सेडिमेंट्स लेकर वो आएगी अब, ठीक है, जो भी यहाँ से नदी निकला, ठीक है, वो सारी अब सेडिमेंट्स लेकर आएगी। अब यहाँ पे क्या है, एक गड्ढा टाइप का बना हुआ है, ये एक गैप है, तो अब यहाँ से तो कोई यहाँ पे तो कोई भी सेडिमेंट्स टिकेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं टिकने वाला है यहाँ पे, कुछ भी नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि आप कुछ भी यहाँ पे रखोगे ना वो रोल होकर नीचे गिर जाएगा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ भी स्लाइडर होगा तो आप अगर उसमें बॉल रखते हो तो वो क्या होता है, वो स्लाइड करके नीचे आ जाती है, सेम हैपन होता है यहाँ पे भी, ये माउंटेन है, यहाँ पर से कुछ नदी बही, ठीक है, वो सेडिमेंट्स लेकर आए, अब वो यहाँ पे धीरे धीरे जमा होती चली गई, ठीक है, इस पोर्शन पे जो वो जमा हो रहा है ना सेडिमेंट्स, धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में यहाँ पे पूरा जो है ना जो पोर्शन है, जो ये एरिया है, ये फिल हो जाता है, ठीक है, और इसको ये प्लेन कर देता है, और ये किससे फिल हो जाता है, एल्यूवियल सॉइल से, ठीक है, ये पूरा फिल हो जाता है एंड इसको प्लेन कर देता है, तब उससे हमारा फॉर्म होता है नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। कॉलिजन फ्रॉम लार्ज बेसिन एट फुटहिल, जो मैंने आपको बताया,
ठीक है, ये टकराया, ये फुटहिल है, इसे हम लोग फुटहिल बोलते हैं। मान लो कि ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो ये जो पोर्शन होता है ना, ये दोनों पोर्शन, ये होता है हमारा फुटहिल, ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं फुटहिल। ठीक है, ये पोर्शन हमारा ऐसे है, यहाँ पे धीरे धीरे जो है ना सेडिमेंट्स अब आए, ठीक है, सेडिमेंट्स गिर रहा है नीचे यहाँ पे, और इस पोर्शन पे वो धीरे धीरे जमा होता चला जा रहा है, ठीक है। और ये जो पोर्शन पे जमा हो रहा है ना, तो ये किसका निर्माण कर रहा है, ये किस कौन सा लैंडफॉर्म को फॉर्म कर रहा है, ये कर रहा है हमारा नॉर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके थ्रू हमारा जो है ना नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म होता है। एरिया बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुला प्लेट, मतलब डेक्कन प्लेट्यू फिल्ड विथ एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एरिया रिच इन एलुवियल सॉइल कौन कौन से है, यूपी, बिहार, एलुवियल सॉइल का एरिया कौन कौन सा है, मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ कहाँ पे है ये भी आपको इससे पता चल जाएगा, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया कि ये कहाँ कहाँ फिल किया, ये हमारा पेनिनसुलर एरिया, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ये हमारा माउंटेन, इसमें क्या कह रहा है, एरिया बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेट फिल्ड विथ एलुवियल सॉइल, ये हमारा एलुवियल सॉइल से फिल हो गया है, ठीक है, इसी से ये फॉर्म क्या हुआ हमारा नॉर्दर्न प्लेन। अब ये ऐसा उठा हुआ क्यों है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू जो है ना ये थोड़ा सा उठा हुआ क्यों है, ठीक है ना। ये देखो इंडियन प्लेट जो है वो इंडियन प्लेट है ये, और ये जाके देखो टकरा रहा है, ठीक है, टकराया और यहाँ पे माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखो इंडियन प्लेट टकराया, सबडक्शन हुआ, यहाँ पे देखो ये सबडक्शन हुआ, कुछ पार्ट अंदर गया और ये कुछ फोल्ड हो गया, ठीक है, और ये किसका फॉर्मेशन किया, यहाँ पे माउंटेन का, माउंटेन जो है ना हमारा वो फोल्डिंग माउंटेन कहलाता है, और ये यंगेस्ट है, ठीक है, ये यंगेस्ट माउंटेन है, क्यों, क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहा है, आप लोग देखोगे ना जब आप लोग छोटे होते हैं धीरे धीरे आप लोग बढ़ते हो, ठीक है, सेम माउंटेन के साथ भी है, एक टाइम होने के बाद फिर ये ओल्ड माउंटेन हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ये यंग माउंटेन है हमारा। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, फॉर्मेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, हम लोगों ने हिमालय देख लिया, हम लोगों ने एलुवियल सॉइल देख लिया, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू आल्सो नोन एज इंडियन प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, अब उसे इंडियन प्लेट्यू बोलो या डेक्कन प्लेट्यू बोलो, पेनिनसुलर प्लेट्यू को, द पेनिनसुलर प्लेट्यू वॉज प्राइमली फॉर्म्ड थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड सब्सिक्वेंट टेक्टोनिक प्रोसेस, दिस इरप्शन वे एसोसिएटेड विद द ब्रेकअप ऑफ सब कॉन्टिनेंट गोंडवाना, ठीक है, इसमें क्या हुआ ना, गोंडवाना से जब वो अलग हुआ था तो वहाँ पे कुछ हलचल हुई, वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ, अब हमने आपसे डिस्कस किया जब वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है तो कुछ मॉल्टन मैग्मा जो है वो हमारा बाहर निकलता है एस्थेनोस्फेयर से, और जो हमारा सरफेस होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है ना, वो उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये मान लो अर्थ का सरफेस है, मॉल्टन मैग्मा यहाँ से निकला, अब ये धीरे धीरे इसको कवर कर रहा है, ठीक है, फिर और निकला, फिर ये और कवर किया, फिर और निकला, फिर ये और कवर किया, ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है, और इससे क्या हुआ, यहाँ पे बन गया एक माउंटेन, ठीक है, ये एक माउंटेन बन गया, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इस पर हम लोग जानते हैं कि विंड, वाटर, ये सब का इस पर असर होता रहता है, तो धीरे धीरे ये इरोज होना शुरू हो गया, ठीक है, इसका इरोजन होना शुरू हो गया, ठीक है, ये ऊपर से इसका कटाव होना शुरू हो गया, और लंबे समय के बाद ये माउंटेन जो था इसका इतना पोर्शन कट गया, ठीक है, ये एक पोर्शन कट गया, तो अब ये क्या बन गया, ये टॉप लाइक स्ट्रक्चर बन गया, टॉप टेबल लाइक स्ट्रक्चर, तो यही हमारा फिर बना प्लेट्यू, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है ना डेक्कन प्लेट्यू का निर्माण हुआ था। द वोल्केनिक एक्टिविटी रिजल्ट इन डिपोजिशन ऑफ थिक लेयर ऑफ लावा एंड वोल्केनिक ऐश ओवर द रीजन, जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया, ठीक है, ओवर टाइम दीज लेयर सॉलिडिफाइड एंड फॉर्म एक्सटेंसिव बेसाल्टिक रॉक फॉर्मेशन, ये भी हमने देख लिया कि हाँ वो पहाड़ जैसा बन गया था, वो फिर धीरे धीरे कट के हमारा जो है डेक्कन प्लेट्यू में कन्वर्ट हुआ, विच मेकअप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये सारे हम लोगों ने देख लिया, ये सबसे बुकिश लैंग्वेज है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताया कि कैसे पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा बना, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू पे आपको कैसा रॉक देखने को मिलता है, बेसाल्टिक रॉक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये वोल्केनिक एक्टिविटीज से बने हैं, ये जो मैग्मा हमारे क्या कहते हैं मेंटल से बाहर निकला ना, ये उसके थ्रू बने, ये देखो जिस तरीके से आप, एक मिनट, हाँ हमने क्या क्या देख लिया, ये मान लो
ये मान लो हमारा हो गया भारत, ठीक है। यहाँ पे हमारा माउंटेन है, ठीक है, हिमालय माउंटेन है, ये हम लोग जानते हैं, ये हमारे हिमालय माउंटेन है। ये पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन हम लोगों ने पढ़ लिया नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, ये पोर्शन होता है हमारा पेनिनसुलर एरिया। पेनिनसुलर एरिया क्या होता है? कवर्ड बाय वाटर विथ थ्री साइड, देखो ये तीन साइड से वाटर से कवर है ना, इस साइड भी वाटर है, इस साइड भी वाटर है एंड इस साइड भी वाटर है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब इंडिया के साउथ में यहाँ पे कौन से आपको ओशन देखने को मिलते हैं, मैंने आपको बताया है। ईस्ट में आपको कौन से ओशन देखने को मिलते हैं एंड वेस्ट साइड में आपको कौन से ओशन देखने को मिलते हैं, ये आपको कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, ये भारत है हमारा, जब यहाँ पे ये नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम लोगों ने देखा, ये ऊपर में ये हिमालय है इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, और ये डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पूरा देख लिया है। इस फिगर में आप समझो, ये देखो ये हिमालय, ठीक है, ये हिमालय का पूरा रेंज है। फिर हम लोग यहाँ पे ये जो कुछ एरिया है ना, ये हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ लिया, और ये डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन ले लिया, एक शॉर्ट डिस्क्राइब हम लोगों ने देख लिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देख लिया हिमालयन का, नॉर्दर्न प्लेन का एंड डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है इसका मैं लाऊंगी अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, हिमालय तीन टाइप के होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फर्दर सो ऑन हम लोग चलते चलेंगे, ठीक है, जिससे आपका सारा कोर्स मैं आपको कवर करवा सकूँ। एंड लास्टली फिर से मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, तो इसे आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, जिससे इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके हमारी चैनल की, ठीक है। तब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।